हेलो गाइस, मैं हूं विकास साहू और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि टॉप 5 मोबाइल्स जो कि 20,000 के अंडर में आ जाते हैं। तो आज मैं इन सभी मोबाइलों के बारे में आप सभी को बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो कि 11,000 से 19,000 के अंदर में आपको मिल जाएंगे और जिसका प्रोसेसर और बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पर है पीको M3 मोबाइल, जो जिसकी रैम 6GB है और यदि मेमोरी की बात की जाए तो यह इसमें 64GB की स्टोरेज मेमोरी मिल जाती है। इसमें 6000mAh की दमदार बैटरी मिल जाती है जो कि 18W का चार्जर के साथ मिलता है, जो कि बहुत फास्ट चार्जर है। और इसमें 45MP के साथ 3 कैमरे मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन का 662 वाला जो प्रोसेसर है वो मिल जाता है। और यदि इसके फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो इसमें साइड वाला फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है। गाइस, इसकी यदि प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 10,999 का पड़ जाएगा। तो अगले मोबाइल की बात की जाए तो सेकेंड नंबर पर जो मोबाइल है वह है सैमसंग गैलेक्सी M12 और इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वह है ऑक्टा कोर का 2.0GH वाला जो प्रोसेसर मिलता है। और इसमें 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज मेमोरी मिल जाती है। कि बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इसमें 6000mAh की एक दमदार बैटरी मिलती है। और इसमें जो फिंगरप्रिंट मिलता है वह भी अपन हमें साइड में मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है। कि कैमरे की बात की जाए तो 48MP के कैमरे के साथ 3 कैमरे मिलते हैं, जो कि लेंस और फोकस वाले जो कैमरे होते हैं वो मिलते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M12 की जो प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है 10,999 रुपये। तो चलिए अगले मोबाइल की बात की जाए तो यह है जो कि तीसरे नंबर पर आता है रेडमी का 10S, जिसमें प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर है इसमें मीडियाटेक का हीलियो G95, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। और यदि इसकी कैमरे की बात की जाए तो इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ 3 और कैमरे मिल जाते हैं। टोटल इसमें 4 कैमरे मिल जाते हैं बैक पे। और यदि इसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यह 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि 30W के फास्ट चार्जर के साथ मिलता है। यह 0 से 45% आधे घंटे में यानी 30 मिनट में आसानी से चार्ज हो जाता है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो यह आपको 14,999 में आसानी से मिल जाता है। तो गाइस, चलते हैं अब अगले मोबाइल की तरफ, जो कि अपने चौथे नंबर का मोबाइल है, सैमसंग गैलेक्सी F41 है। तो गाइस, इस मोबाइल की बात की जाए तो इस मोबाइल में 32MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो ऑक्टा कोर का 9611 वाला प्रोसेसर मिलता है। इसका जो बेस वेरिएंट है वह 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मेमोरी के साथ मिलता है। और इसमें भी 6000mAh की एक दमदार बैटरी मिल जाती है, जो कि 15W के फास्ट चार्जर के साथ आपको मिल जाता है। इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और 64MP का रेयर कैमरा मिल जाता है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो यह है आपको 16,999 में मार्केट में मिल जाता है। तो अपने पांचवें नंबर पर जो मोबाइल आता है वह है पीको का X3 Pro और इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वह है स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर होता है। और इसमें जो बैटरी मिलती है वह है 5160mAh की, जो कि बहुत ही मतलब दो से तीन दिन की कैपेसिटी की बैटरी होती है। 33W का चार्जर मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। और इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मेमोरी के साथ यह मोबाइल मिलता है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो यह मोबाइल हमें 18,999 का मिल जाता है। तो चलिए, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।